आज के आसन क्रिया के द्वारा आप अपने पैनक्रीज को एक्टिवेट करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेंगे, इट अलाउ मोर ऑक्सीजन टू गेट इन, इट हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। हेलो नमस्ते, दिस इज मानसी गुलाटी, योर योगा एक्सपर्ट एंड यू वॉचिंग फिट तक। आज हम योग करेंगे डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। डायबिटीज क्यों होता है? जब आपका पैनक्रीज इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। आज के आसन क्रिया के द्वारा आप अपने पैनक्रीज को एक्टिवेट करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेंगे, इट अलाउ मोर ऑक्सीजन टू गेट इन, इट हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस भी एक रीजन है डायबिटीज का। तो चलिए करते हैं आज का आसन और क्रिया। सबसे पहले ध्यान मुद्रा में सुखासन में बैठ जाएंगे। Always meditate your body before yoga. एक मिनट के लिए रोज ध्यान लगाइए। ध्यान लगाना बहुत जरूरी होता है। जितना भी तनाव होता है, आप तनाव से दूर हो जाते हैं। अब चलिए करते हैं आज की क्रिया। सबसे पहले हम करेंगे महाक्रिया। महाक्रिया को खाना खाने के 10 मिनट के पहले करें। इसके बाद जब आप खाना खाएंगे, आपकी बॉडी में आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन ही मिलेंगे। तो चलिए करते हैं महाक्रिया। दिस इज द बेस्ट क्रिया फॉर डिटॉक्सिफिकेशन टू। इंटरलॉक, इनहेल, धीरे से बॉडी को आगे लेके आइए। एक्सहेल, एक्सलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को क्लियर करता है। तो महाक्रिया को खाना खाने के 10 मिनट के पहले जरूर करें। अब हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन से भी डायबिटीज कंट्रोल होती है। बहुत सिंपल आसन है। वज्रासन में बैठ जाएंगे। मेकअप फिस्ट, थंब इनसाइड। योग आपको निरोग रखता है, तनाव से मुक्त रखता है। सिंपल सा आसन है, इसको जरूर करिए और अपनी जिंदगी को स्वस्थ बनाएं योग के द्वारा। चलिए अब हम करेंगे नौक आसन। नौक आसन से भी पैनक्रीज एक्टिवेट होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। इस तरह से करेंगे। नाउ स्ट्रेच इट। Relax yourself, release your stress. Don't strain your body while doing yoga. हमेशा सुख में ही योग करिए। चलिए मैं अब आपको बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ। हम इस तरह से बैठ जाएंगे। ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल, इन तीन शब्दों से ओम का उच्चारण करते हैं। आपका साउंड, आ की ध्वनि आपको यहां पे महसूस होनी चाहिए, आपके नेवल पे। ऊ का साउंड यहां पे, मा का साउंड यहां पे। ये बहुत अच्छा होता है, आपको दोषों से मुक्त रखता है, हार्मोन को बैलेंस करता है। तो एक बार फिर से करेंगे हम लोग। आ ऊ मा, कंबाइन दिस थ्री वर्ड प्रॉपरली। इन तीनों शब्दों में आप अपनी टंग को यूज नहीं कर रहे हैं। करेंगे इनहेल, लेट्स डू इट अगेन। मन को शांत रखिए।
सिंपल सा योगासन का अभ्यास करिए, अपनी जिंदगी को निरोग रखिए। साथ में आपको बहुत सिंपल सी टिप मैं दूंगी, तेज पत्ते का पानी भिगो के अगर वो पानी आप 14 दिन पीते हैं, उससे भी आपकी बॉडी पूरी तरह डिटॉक्सिफाई होती है एंड डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही कारगर साबित होती है। इन चीज़ों को करिए, पानी बहुत पीजिए, हर आधे घंटे के बाद पानी पीजिए, 5 बजे के बाद ऑयली फूड जंक फूड को पूरी तरह अवॉइड करिए और इसी तरह मेरे साथ योग करते रहिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपने विचार सुझाव हमसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।